छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले अपनी एक सूत्रीय लंबित मांग, लंबित महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों ने दिया अपना समर्थन। महापौर को ज्ञापन सौंपकर निगम कर्मी कल करेंगे प्रदर्शन की दी जानकारी। दुर्ग नगर पालिका निगम के कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सुझाव और प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के हड़ताल को समर्थन देने का भी निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में मंगलवार को महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त व सभापति राजेश यादव को अवगत कराते हुए एक दिन सामूहिक अवकाश किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर लंबित महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा को लेकर 29 जून को सामूहिक अवकाश लेकर जिले के कर्मचारी आंदोलन पर रहेंगे। साथ ही अध्यक्ष व महामंत्री द्वारा 28 जून को दुर्ग नगर पालिका निगम में सामूहिक अवकाश का आवेदन भराने एवं आंदोलन में शत प्रतिशत भाग लेने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश गुप्ता, महामंत्री अनिल सिंह, अध्यक्ष शिव शर्मा, शशिकांत यादव, राजू बख्शी, श्रीमती लता यादव, भुवन दास साहू समेत अन्य कर्मचारी मौजूद थे। इस संबंध में न्यूज टीम को निगम अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आंदोलन तो हमारा लगभग एक वर्ष से चल रहा है, लेकिन अभी करीब 5-6 महीने पहले ही हमने अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने प्रथम चरण में जो आंदोलन किया था तो उसमें 5% बढ़ोतरी जरूर हुई थी, लेकिन केंद्र के बराबर अभी हमको नहीं मिल पा रहा है, उससे हम वंचित हैं। उनका 34% है और हमारा अभी 22% है, तो अभी 12% की हम मिलेगा तभी उनके समकक्ष पहुंच पाए। आपकी मांगे अगर पूरी हाँ बिल्कुल, ये जुलाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी आह्वान है, अभी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। जानते विदित हो कि केंद्र सरकार के द्वारा जो डीए दिया जा रहा है उसके अनुरूप यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन में हम सब कितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सबको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसके विरोध स्वरूप अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा जो कल द्वितीय चरण में 29 जून को एक सामूहिक अवकाश लेके अपने अपने मुख्यालय में खड़े होंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके पश्चात हम अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय दुर्ग को प्रेषित करेंगे, जो यहाँ से सीधे शासन को प्रेषित किया जाएगा उनके द्वारा। इस टाइप से कल की कार्रवाई सब कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा एक सूत्री जो मांग है डीए को लेकर हम सब लोगों ने सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया है, जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन हम उसका समर्थन कर रहे हैं, उसके समर्थन के साथ स्वरूप हम लोग सब वहाँ पे एकत्र होंगे। डीए के संबंध में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा द्वितीय चरण का आंदोलन आज सामूहिक अवकाश लेकर कल 29 जून को मुख्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपी जाएगी। किस तरह की मांगे हैं, क्या है मुख्य मांगे हैं? महंगाई भत्ता बढ़ाने की है, जो अन्य राज्यों में अभी 34% दिया जा रहा है, यहाँ तक तो राजस्थान में भी 34% है, उड़ीसा में भी 34% है, मध्य प्रदेश में भी 31% है, छत्तीसगढ़ राज्य को अनदेखा किया गया है और केवल हमको 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। उसी मांग को लेकर ये आंदोलन अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले की जा रही है। अब ये राज्य शासन ही इनके लिए पूरी तरह से दोषी है, क्योंकि कांग्रेस शासन तो राजस्थान में ही है, वहाँ जब 34% डीए मिल रहा है तो वो हमको भी यहाँ भी मिल रही है। 29 जून को सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन पर रहने वाले कर्मचारियों की मांगों को किस तरह से निगम प्रशासन लेता है और इसे कितनी जल्दी पूरा कर पाता है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।